बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, हंसते बसते शादोबाद होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा, मोतबर नुस्खा और बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आए हैं। हमें किसी बुज़ुर्ग हस्ती से जो है वो नुस्खा मिला है, जो मैंने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और मैंने सोचा कि अपने देखने वालों के लिए भी उस प्यारे नुस्खे को शेयर करता हूँ। तो ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो नुस्खा बड़ा प्यारा ही है। अक्सर हमारे जो भाई हैं या कोई बुज़ुर्ग वगैरह हैं तो उनके जो अक्सर सर के बाल जो है ना वो गिर जाते हैं, या सर के किसी हिस्से से ज़्यादा गिर जाते हैं। तो मैंने भी वो नुस्खा इस्तेमाल किया है, इंशाल्लाह अभी वो नुस्खा इस्तेमाल किया है। मुझे भी इंशाल्लाह इस नुस्खे का फ़ायदा मिलेगा और आपको भी इस नुस्खे का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो जिस जगह से आपके सर के बाल जो हैं वो गिरे हुए हों, उस जगह आपने जैतून का तेल डालना है। जैतून का तेल जो डालकर उसकी सर में आपने मालिश करनी है। तो काफ़ी दिनों तक ये आपने अमल जारी रखना है। जैतून का जो तेल है वो अक्सर जो है वो अच्छे स्टोरों से अच्छा ही मिल जाता है। तो आपने वो ले लेना है और अपने सर की जो है वो मालिश वगैरह करनी है जहाँ पर से बाल गिरे हों। तो ये बार बार ये आपने अमल करना है, तकरीबन एक या दो महीने तक। और जो आपके बाल गिरने के जो बंद मसाम होंगे ना, वो मसाम भी खुल जाएंगे और आपके जो है वो बाल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उगना शुरू हो जाएंगे। तो ये था एक हमारा नुस्खा और बड़ी ही जो अच्छी चीज़ है जैतून का तेल। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे किसी आने वाली नई वीडियो में, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। हमें दीजिए इजाज़त अपने मोहम्मद मुख्तार भाई को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।